इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. लो दैन वेलकम, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है. और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का वीडियो है हाउ टू डील विथ इमोशंस. दोस्तों, चीज़ ऐसी है कि इमोशंस हम सब में है. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, सोशल बींग्स हैं, तो इमोशन हम सब में होता है. लेकिन कई बार और ज़्यादातर बार हम उन इमोशंस को हम पर हावी हो जाने देते हैं. हम उन इमोशंस को हमारी एक्शंस कंट्रोल करने देते हैं और इसी वजह से हम कई बार तकलीफ में पड़ जाते हैं. और दोस्तों इसी इमोशनल मिसहैंडलिंग की वजह है कि हम आजकल डिप्रेशन के केसेस बहुत देख रहे हैं. कई हमारे युवा धन है, कई हमारे युवा लोग हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से. इसकी बहुत बड़ी वजह है इमोशनल मिसहैंडलिंग. दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ways टू डील विथ इमोशंस. दोस्तों, अभी तक के साइंटिफिक रिसर्च में हम पाते हैं कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. दोस्तों, इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक्शन करने के लिए इंस्पायर करती है, एक्शन करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है. तो सच तो ये है कि जब तक पावरफुल इमोशन नहीं होगा, आप कोई भी एक्शन नहीं. अब ज़रा सोचिए, आपके हर एक्शन के पीछे एक इमोशन होता है. बिना इमोशन के एक्शन पॉसिबल नहीं है. और इमोशन क्या होता है? एनर्जी इन मोशन. हमारी जो एनर्जी होती है, लाइफ एनर्जी होती है, वो मोशन में आती है और हम एक्शन के लिए इंस्पायर होते हैं. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये 4 techniques जिससे कि आप अपने इमोशंस को अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं. दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग कई बार एक ब्रेकअप हो जाने के बाद या फिर एक फेलियर हो, एक चीज़ एक अपने एंडेवर में फेल हो जाने के बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उसका जो इमोशन है वो अब उन पर हावी हो जाता है. और उस इमोशन की वजह से वो जो अपने हित में नहीं है, ऐसी एक्शन ले बैठते हैं. दोस्तों, एक बात तो बहुत क्लियर कर देनी चाहिए आपको अपने माइंड में कि एवरी एक्शन इज बैक्ड विद एन इमोशन. ऐसी आपकी कोई एक्शन नहीं होगी, ऐसे आपका कोई कार्य नहीं होगा जिसके पीछे आपका एक इमोशन ना हो. हर इमोशन दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हर एक एक्शन के पीछे आपके एक स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेंट इमोशन ज़रूर होगा. दोस्तों, जल्दी से हम ट्राई करते हैं उन 4 techniques को देखने की. द फर्स्ट वे टू डील विद इमोशन इज टू अवॉइड देम. यानी कि आपके जो भी इमोशन आए उसे अवॉइड करने का ट्राई करो. यानी कि दोस्तों, हम इमोशंस जनरेट ही ना होने दें. दोस्तों, ये तरीका बहुत टफ है. क्यों? क्योंकि इमोशन जनरेट करना एक नेचुरल हैबिट हो गया है होमो सेपियंस की. जो भी क्रिएचर्स होते हैं, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनमें कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती है, इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं. हमारा इमोशन जनरेट करना भी उस एक इनहेरेंट ट्रेट है. यानी कि आप कोई भी चीज़ देखेंगे, उसको हमारा माइंड पहले डाइसेक्ट करके चेक करेगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इनडिफरेंट है. उसको पहले डिवाइड करके उसको समझेगा और उसी के मुताबिक इमोशन जनरेट करेगा. आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, फेथ, ये सारी इमोशंस आपके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करने से या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंसेस के थ्रू गैदर करने से ये जनरेट होते हैं. दोस्तों, पहली स्ट्रेटेजी है हम अवॉइड करें इमोशन जनरेट करना. दोस्तों, ये टफ इसलिए है कि आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ आए, कोई भी ऑब्जेक्ट आए, हम इमोशन जनरेट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे. इमोशन को हमारे बॉडी में जनरेट होने से, हमारी बॉडी को हमको फील होने से, वो इमोशन हमको फील होने से हम अवॉइड करेंगे. तो दोस्तों, ये हो गई पहली स्ट्रेटेजी. दूसरी स्ट्रेटेजी है हम एंड्योर करेंगे. यानी कि उस इमोशन को फील करेंगे, उस इमोशन को लीव करेंगे. दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी भी इतनी इफेक्टिव नहीं है. क्यों? अगर आपके बॉडी में अगर पॉजिटिव इमोशन है, अगर पॉजिटिव फीलिंग्स है, तब तक तो बात ठीक है, तब तक तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं. लेकिन जब आप डिप्रेशन में या फियर में, ऐसे कोई नेगेटिव इमोशन में अपने आप को पाएंगे, तो अगर आप उस फीलिंग में रहेंगे तो वो स्टेट लंबे समय तक चलेगा. वो फियर का स्टेट, वो डिप्रेशन का स्टेट लंबे टाइम तक चलेगा. तो हमें ये स्ट्रेटजी भी जो कहता है कि हम इमोशन को जैसे आए उसको फील करते जाए और जैसे ख़त्म हो जाएगा जो कोई और इमोशन आएगा उसको भी फील करेंगे. यानी हर चीज़ को रिएक्ट करेंगे, हर इमोशन पर रिएक्ट करेंगे. तो ये हो गया दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी. इसी स्ट्रेटजी है हम कम्पीट करेंगे. इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई बंदा आके कहता है कि जानते हो मैं कितना दुखी हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है,
तो हम करेंगे कम्पीट, ओहो ये हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी सुन मेरे साथ क्या हुआ है, और वो फिर हम अपने दुख की कहानी, अपने फियर्स की, अपने डिप्रेशन की कहानी सुनाने बैठ जाएंगे। तो ये हो गया इमोशन का कॉम्पिटिशन, कि हम अपने इमोशंस को दूसरे किसी और के इमोशन के साथ कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा दुख उनसे कम है। अगर उनको हमारा दुख उनसे कम है तो हम थोड़ा अच्छा फील करेंगे कि हाँ चलो मैं तो दुख में हूँ लेकिन मेरे से ज़्यादा वो दुख में है। तो ये होगी तीसरी स्ट्रेटेजी। लेकिन ये दोस्तों ये भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें आपका भला तो होता ही नहीं है। आप किसी और को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर फील करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी इतनी इफेक्टिव नहीं है। दोस्तों फोर्थ और फाइनल स्ट्रेटेजी है यूटिलाइज देम एंड लर्न फ्रॉम देम। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी सबसे इफेक्टिव और सबसे एम्पावरिंग है। इस स्ट्रेटेजी का कहना यह है कि जब आपको कोई भी इमोशन आपके बॉडी में फील हो तो उसे अवॉइड भी नहीं करना है, एंड्योर भी नहीं करना है, कंपेयर भी नहीं करना है, लेकिन उससे लर्न करना है। सपोज जैसे कि अगर आपके बॉडी में फियर का इमोशन जनरेट होता है, कोई भी सर्कमस्टेंस आ गया और आपको फियर की अनुभूति होती है, फियर का इमोशन आपके बॉडी में जगता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे डिसोसिएट नहीं करना है, उसको एंड्योर भी नहीं करना है। तो हमको समझना है कि इमोशन जनरेट क्यों हुआ। फियर तभी जनरेट होता है जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं हो। फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन, तो अननोन चीज़ है इसलिए हमें फियर जनरेट हो रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कि जिस चीज़ का हमें फियर जनरेट हो रहा है उसको स्टडी करें, एग्जामिन करें और वो फियर दूर करने का ट्राई करें। ये हो गया एक स्ट्रेटेजी। और उसका दूसरा पार्ट है कि हमको जो इमोशंस चाहिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी के इमोशन, इंस्पिरेशन के इमोशन, हैप्पीनेस के इमोशन, सेटिस्फैक्शन के इमोशन, तो ये इमोशन हम जनरेट करें। जनरेट कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसे सिचुएशंस हमारे आस इर्द गिर्द बनाएं, हम ऐसी कंडीशंस करें, हम ऐसे एक्शंस लें जिससे ये इमोशन जनरेट हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी फियर के सिचुएशन में हैं, आप अगर फियर का इमोशन आप पे हावी हो चुका है, तो आप 10 मिनट आंखें बंद करके बैठिए और सोचिए कि आप इस फियर को ओवरकम करते हैं और आप जो एक्शन है, जो जिससे आपको डर लग रहा है, उसको हिम्मत से फेस करते हैं और उस चीज़ को सफलतापूर्वक ख़त्म करते हैं। आप अगर अपने माइंड में ये विजुलाइज करेंगे और आप देखेंगे उसको, उसमें आप इमोशन इनफील करेंगे, आप उसको फील करेंगे कि हाँ अगर मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया तब मेरे बॉडी में क्या फीलिंग आएगी। दोस्तों आपका माइंड इमेजिन रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो आपके बॉडी में उसी टाइम वही इमोशंस जनरेट होंगे, वही कॉन्फिडेंस के, वही अचीवमेंट के इमोशंस जनरेट होंगे। दोस्तों इसका यूज़ करके आप उस सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे। तो ये जो लास्ट स्ट्रेटेजी है कि इमोशंस को हमको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें उनको यूटिलाइज करना है, उनसे सीखना है और अपनी लाइफ को नेविगेट करना है। दोस्तों इसी छोटी सी सीख के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये थम्स अप करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, और अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए